अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासी फराज है। मैं कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन की हैसियत से मॉडर्न हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में समात के हवाले से। बच्चों में समात की हिस एक बहुत अहमियत की हामिल है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक बच्चे के बोलने से है। इसको इस तरह से समझें कि बच्चा जो पैदा होता है, अगर वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। बच्चों में बोलने का अमल 2 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है, और जो सुनने का अमल है बच्चों के अंदर, वो माँ के पेट में 7वें महीने से शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि हमल के दौरान बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो 7वें महीने में उसके कान मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं और सुनना शुरू कर देता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ बाप की आवाज़ सुनने लगता है और आसपास की आवाज़ें सुनता रहता है, और ये सारी आवाज़ें उसके दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह दर्ज होती रहती हैं, जो उसको बोलने में मददगार साबित होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो टूटे फूटे अल्फाज बोलने लगता है, और जहाँ वो 2 साल की उम्र में पहुँचता है तो मामा बाबा आना जाना जैसे और छोटे मोटे जुमले बोलना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चे के शुरू के 2 साल बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। इसलिए वालदैन का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी समात नॉर्मल है या नहीं है। इसके हवाले से दुनिया भर में बहुत से टेस्ट होते हैं, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। उसमें से एक टेस्ट ऑटो अकोस्टिक इमिशन टेस्ट कहलाता है, OAE टेस्ट। ये अमूमन बच्चा पैदा होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये बच्चा ये टेस्ट फेल करता है तो ये टेस्ट दोबारा 1 महीने के बाद होता है, और दोबारा अगर फेल करता है ये टेस्ट तो बच्चे का एक तशखीस के हवाले से टेस्ट होता है, जिसको बैरा टेस्ट कहते हैं। उसमें इस चीज़ का पता चलता है कि बच्चे की समात कम है, जिसके हवाले से बच्चे का सुनाई का आला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हेयरिंग एड कहते हैं, या बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो उसके हवाले से फिर एक ऑपरेशन होता है, जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, जो 2 साल के अंदर अमूमन कर दिया जाता है। अगर इस ऑपरेशन में ताखिर की जाती है तो बच्चे की जो बोलने की सलाहियत है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इस हवाले से माँ बाप के लिए ये बहुत अहम है कि 2 साल की उम्र के अंदर अंदर वालदैन इस चीज़ का पता लगा लें कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी समात ठीक है या नहीं। इस तरह के टेस्ट अमूमन हर हॉस्पिटल में जो बच्चा पैदा होता है वहाँ नहीं होते, तो वालदैन का ये सवाल आता है कि उनको किस तरह से पता चलेगा कि बच्चा जो उनका पैदा हुआ है वो नॉर्मल सुनता है या नहीं सुनता, या उसकी समात नॉर्मल है या नहीं है। इसका तरीका बहुत आसान है। जब बच्चा पैदा होता है और कुछ हफ्तों का होता है तो तेज़ आवाज़ पर चौंक जाता है, या सोते हुए अगर तेज़ आवाज़ आती है तो उठ जाता है। जहाँ वो चंद महीनों का होता है, जैसे 3 से 4 माह की उम्र में पहुंचता है, तो माँ बाप की आवाज़ पे वो अपनी नज़रें घुमाने लगता है उस आवाज़ की तरफ, और जहाँ उसकी गर्दन ठहर जाती है, मतलब 6 माह की उम्र में जब पहुंचता है, तो वो आवाज़ की तरफ अपनी गर्दन घुमाने लगता है। अगर इस दौरान वालदैन को कभी भी इस चीज़ का शुबा हो कि बच्चा जो उनका पैदा हुआ है वो अगर नहीं सुन रहा या समात कम है, तो वो फौरन किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से राबता करें। अब वालदैन का ये सवाल आता है कि ये होता क्यों है बच्चों के अंदर। अमूमन कुछ बच्चों में ये पैदाइशी होता है, या ख़ानदानी बीमारी, या जिसको मरूसी बीमारी कहते हैं उसकी वजह से होता है, या कुछ लोगों में जैसे हमल के दौरान इन्फेक्शन होने की वजह से, या पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को अगर 24 घंटे में जॉन्टिस हो जाए, या गर्दन तोड़ कोई बुखार हो 2 साल की उम्र से अंदर अंदर, या दूसरी बीमारियां जैसे खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं, या मम्स वगैरह की बीमारी अगर होती है तो उसकी वजह से भी समात मुतासर होती है। इन सब की बीमारी से बचने के लिए बच्चों को हिफाजती टीके यानी वैक्सीनेशन करवाई जाती है, तो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सारी बातें तो उन बच्चों के लिए हो गई जो 2 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे जो कि इससे बड़े, जैसे कि 3.5-4 साल के बच्चे, और जो कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जिनका स्कूल में दाखिला होता है और जिनकी पैदाइश के वक्त समात नॉर्मल होती है, बोलते भी सही हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी समात मुतासर होती है, और उसके अंदर जो वजह बनती है बच्चों में अमूमन नज़ले की वजह रहती है। इस उम्र के अंदर बच्चों में नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, नज़ला ज़ुकाम, जिसकी वजह से बच्चों के कान के बढ़ते के पीछे नज़ला जमा हो जाता है। इसकी तशखीस भी आसानी से हो जाती है और इसका इलाज भी मुमकिन है, जिसकी वजह से समात उनकी दोबारा बहाल हो जाती है। इसका इलाज दवाइयों के ज़रिए से रहता है,
लेकिन अगर दवाइयों से इसमें कोई 6 महीने के अंदर बेहतरी नहीं आती तो एक छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए से ये कान के पीछे का नज़ले को हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में समात दोबारा बेहतर हो जाती है। इस उम्र के बच्चे अमूमन जो कि स्कूल जाने वाले होते हैं उसमें अक्सर ये शिकायत होती है टीचर की या वालदैन की कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ने पर या तवज्जा नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है। तो जहाँ भी बच्चे के वालदैन को इस चीज़ का शुबा हो कि बच्चे की समात कमज़ोर है और बच्चा सही नहीं सुन रहा है, जिसके ऊपर अक्सर रिश्तेदार या कुछ डॉक्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा वो सुनने लगेगा, तो इन बातों पे ना जाएं, फौरन ही किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से जाके बच्चे का अच्छे से मुआयना करवाएं और बच्चे का सुनाई का टेस्ट करवाएं ताकि उसकी इस चीज़ के हवाले से तशखीस हो सके। शुक्रिया।